आज हम सीखेंगे गले का डिज़ाइन, जो अस्तर के ड्रेस का गला है, जो नाप से गला कट करे हुआ है वही अस्तर के ऊपर रख कर गला कट कर ले। इस तरह से अस्तर का गला और जो ड्रेस का गला है दोनों को मिलाकर सी ले। अस्तर नीचे रखना है और गला ऊपर की तरफ। इसी तरह जिस तरह डिज़ाइन बना हुआ है गले का, उसी के ऊपर आप दोनों को मिलाकर सिलाई लगा दे। सिलाई अच्छे से और फिनिशिंग से लगाने पर गला अच्छा डिज़ाइन बनता है। इसी तरह जो कॉर्नर है उसको बराबर से आप घुमाकर सी ले। सीने के बाद इसे इसके कॉर्नर को अच्छे से कट कर ले। कट करने से आपका गला और भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह कॉर्नर को कट करने पर गले को अंदर की तरफ मोड़ ले। दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ पलटाकर कोने बाहर की तरफ अच्छे से हाथ से दबाकर उसके ऊपर एक दाब सिलाई मार दें। सिलाई अच्छे से और फिनिशिंग से आने पर गला और भी अच्छा नज़र आता है। आपको और भी अच्छे से अच्छे गले के डिज़ाइन चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह आपको और भी डिज़ाइन के गले सिलाकर या कट करके बता देंगे। इस गले को आप पीछे से सिंगल डोरी या डबल डोरी दोनों भी लगा सकते हैं या लटकन वाली डोरी भी लगा सकते हैं। गले के डिज़ाइन बनाने के लिए डोरी का इस्तेमाल करने से शोल्डर नीचे नहीं आते हैं। डोरी बनाने के बहुत सारे तरीक़े हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। इस तरह से कॉर्नर को मोड़कर आप अच्छे से सिलाई लगा दें। इस तरह से गला तैयार हो जाएगा बिना कैनवस के। सिंपल सादा अस्तर का गला बिना कैनवस के इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये कॉर्नर पर दो डोरी लगा दे या एक सिंगल डोरी इस तरीके से लगा दे। सिंगल डोरी से भी और अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बैक साइड का गला, अस्तर के ड्रेस का गला तैयार हो गया है। अब हम आपको फ्रंट साइड का गला तैयार करके बताएंगे, जो डिज़ाइन का गला है और वर्क वाला भी गला है। वर्क के ड्रेस का गला सीना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से आप गला सी लेंगे तो आसान हो जाएगा। ये सामने का वर्क वाला गला है जो कट करे हुआ है। अब यही गला अस्तर के ऊपर रखकर इसे कट कर लेना है। दोनों बराबर गले कट करने से सीने के लिए आसानी आ जाएगी। जिस तरह पीछे का गला हम कट कर लिए थे, उसी तरह सामने का भी गला कट कर लेंगे। गले को कट करते वक्त आप इस तरह से बराबर रख कर उसके ऊपर हाथ रख ले या फिर चौक से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे लिए हाथ से ही डायरेक्ट कट करना आसान तरीक़ा है। आप इसे चौक से ड्रॉ कर सकते हैं। इसे अब सी ले। अस्तर नीचे रखना है और उसके ऊपर गला रखना है। गला वर्क का है, इसीलिए आप उसे हाथ से आराम से पकड़कर दोनों
कपड़ों को आगे की तरफ ले जाना है और कॉर्नर पर इस तरह से आप दोनों कपड़ों को मिलाकर घुमा ले और सी ले। अगर इसको सीते वक्त आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है तो आप एक आधी पिन लगा सकते हैं। पिन लगाने से थोड़ी सी आसानी होती है, लेकिन पिन भी अस्तर पतला होने की वजह से अटकती है, इसीलिए कपड़े को हाथ से पकड़कर सीने में ही आपको अच्छे से गला सीने आ जाएगा। पिन लगाकर सीने से हमेशा पिन लगाकर सीने की आदत होती है, हाथ से पकड़कर सीने पर हाथ से पकड़ के सीने की ही आदत होती है। इसी तरह आप इस गले के भी कॉर्नर को कट कर ले, या गोल आकार में ज़्यादा गला है तो गोलाई में भी थोड़ा सा कट कर ले। कोने अगर ना बने हो तो डबल सिलाई मारकर आप सिलाई से ही अच्छे कोने बना ले। जो नोक है उसकी अच्छी बनने पर ही, ये देखिए इसका एक साइड का कोना थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, इसलिए दोनों को मिलाकर बराबर से कोना बना ले और इसे बराबर हिस्से में कट करके आप डिज़ाइन का गला तैयार कर ले। इसे भी उसी तरह पलटा कर आप सिलाई मार ले। इस तरह से कॉर्नर निकालना ज़रूरी है, कोने निकालने से ही गला फिनिशिंग में नज़र आएगा। इस पर अच्छे से दाब सिलाई मार ले, कॉर्नर पर कपड़े को घुमाकर उसका गोल आकार बना ले। दोनों कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल कर एक दूसरे के फ्रंट साइड में रखना है, या सामने की तरफ रखकर आप उसे हाथ से घुमाकर सिलाई मार दे। इसे जहां गोल आकार है वहां गोल आकार में घुमाना ज़रूरी है कपड़े को। इसी तरह से वर्क वाला गला तैयार हो जाएगा। वर्क वाला गला बिना कैनवस के आसान तरीके से तैयार हो गया है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में